गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आज एक नई सुबह और आज है 20th अक्टूबर। आज हमारा फेस्टिवल है, लक्ष्मी पूजा है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, हम सब आज जल्दी उठ गए और पूजा का तैयारी चल रहा है घर में। तो सुबह से ही तो मम्मी लड्डू वगैरह बना रही है और काम चल रहा है। मैं भी सुबह सुबह नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ और बस रेडी होना है हमें। और मैं आज ये वाला ड्रेस पहनने वाली हूँ, मैंने आपको बताया था। ये भी मैंने न्यूली परचेस किया है अमेज़ॉन से, मेरी बहन का भी मैचिंग है मेरे साथ। तो व्यूअर्स, एक बात कहना चाहूँगी, मुझे सब कहते हैं कि मैं बंगाली में ब्लॉग करती हूँ तो सब को समझ में नहीं आता। मैं ये वाला ब्लॉग भी मैं बंगाली में करना चाह रही थी क्योंकि आज हमारा फेस्टिवल है। तो दुर्गा पूजा में के बीच में मैंने, दुर्गा पूजा के दौरान मैंने बंगाली में ब्लॉग किया था। तो काफ़ी लोगों ने कहा, कमेंट्स भी किया कि हिंदी में करूँ, तो इसलिए मैं हिंदी में ब्लॉग कर रही हूँ। और चलिए आगे का वीडियो देखते रहिए, बहुत ही मज़ेदार होगा वीडियो। तो यहाँ पर मेरी बहनोई भी आए हैं, ये मेरी सिस्टर और ये मेरी बहनोई भी आए हैं। हाय फ्रेंड्स, हैप्पी लक्ष्मी पूजो सभी के, और सब आइए हमारे घर। आप सभी को हैप्पी लक्ष्मी पूजा और हैप्पी लक्ष्मी पूजा सभी के, हैप्पी लक्ष्मी पूजा। अच्छा अच्छा, हैं तो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरा जो सेम बेडशीट है दुर्गा पूजा के टाइम पे मैंने ये बिछाया था, तो ये मैं अभी रखूँगी, लक्ष्मी पूजा के बाद मैं इसे वॉश कर दूँगी। और फिर दिवाली के टाइम पे नया बेडशीट तो है और मैंने ऑर्डर किया है, वो भी जल्दी आने वाला है। और उसके बीच में बस जो घर पर है न्यू सेट वो बिछा दूँगी। तो आज पूजा, आज हमने टॉमी को बांध के रखा है। और ऐसा नहीं कि पूजा है तो टॉमी के साथ हम टॉमी को निकाल देंगे बाहर, ऐसा नहीं करेंगे। और काफ़ी लोग सोचते हैं कि घर पे डॉगीज़ पालना, काफ़ी लोग पालते भी हैं डॉगीज़ को घर पे, तो बस वो बाहर जाते हैं ना तो हम उसे घर पे लेके आके उसका पैर धुलाते हैं, जैसे हम अपना पैर धोते हैं घर पे घुसने से पहले, एंट्री करने से पहले। तो हम टॉमी का भी पैर धुलाते हैं, मेरे पापा रेगुलरली वो बाहर से आएगा तो उसका, और उसका भी हैबिट हो गया, वो भी अपना टांग ऐसे उठा देता है धुलवाने के लिए। और आजकल तो नहाने से भी वो डरता नहीं है। तो अच्छा, बहुत समझदार है, बाकी लोगों पर भौंक दूसरों पे भौंक भी ले तो, मगर अमेज़ॉन वाले पे नहीं भौंकता बिल्कुल, बहुत समझदार है, उसे पता है कि हमारा सामान आ रहा है। हमारा पूजा का तैयारी चल रहा है। तो यहाँ पे एखाने आमी लाल चंदन बेटे निच्छी, एखाने घट बसानो हबे, तो सिंदूर लगानो हलो, ऊपर थेके धान दिए दिएछे, दुब्बो देवा हये गेछे, एटा सजानो हबे एखाने चारोपाशे। तुम सजा रहे हैं, अपन आसनटाके डेकोरेट करछे। तो डेकोरेशन का काज चलछे, ये फूल दिए सजानो हबे। ए जे नारकोलेर नाड़ू बनानो हच्छे एखाने, बोन गोल गोल नाड़ू बनाच्छे। তো এই ফুলটা দেখতে পাচ্ছ, এটা অরিজিনাল ফুল, এই ফুলগুলো রিয়েল ফুল। তো এইভাবে ধানের ছড়াটা রেখে দিয়েছি সাইডে, পাশের দিকে আর ফুলমালা। এই ফুলগুলো আমাদের বাগিচার অরিজিনাল ফুল, কি সুন্দর লাগছে, দিয়ে সাজানো হবে।
আসুন বন্ধুরা। এখানে সুজি বানানো হচ্ছে, মায়ের ভোগ, মায়ের ভোগ তো পুজো, মোহন ভোগ, মোহন ভোগটা রান্না হচ্ছে। যা যা এখানে বাসন আমরা ব্যবহার করছি এইসব ঠাকুরের বাসন, এই হাড়ি ধরা যে ন্যাকড়াগুলো এটাও ঠাকুরের আলাদা করে ঠাকুরের জন্য রাখা হয়েছে। সব কিছু চামচ থেকে নিয়ে সব কিছু আলাদা করে ঠাকুরের বাসন এসব। তো ঘি দিয়ে দিয়েছো না এতে? ঘি চিনি দেওয়া হয়ে গেছে, নাড়াচাড়া করে নেবো। এই যে আমাদের গাছের, আমরা এটা দিয়ে ডেকোরেট করছি। এই যে আমাদের গাছের সানফ্লাওয়ার ফুল, এটা দিয়ে আমরা আসন ডেকোরেট করছি। কি সুন্দর, বাহ, ছলম কাটছে বাবা। কাজ করো, যদি লুচি হবে এমগোর চ্যাপটা করে মাখছে লুচির জন্য। হ্যাঁ, তো আমি বসে পড়েছি এই ঠাকুরেরই আলাদা, এইখানে চাকু আর এইসব রাখা হয়েছে ঠাকুরের বাসন। এর মধ্যে আমি ধুয়ে টুয়ে ভালো করে ফলগুলো কেটে নেবো। পুজোর জন্যই পিলার আর এই চাকু, এগুলো দিয়েই কাটবো। পুজোর আয়োজন চলছে, বেদানাটা কেটে ওই প্লেটের মধ্যে রাখবো, ঠিক আছে? আর ছলমটা কেটে, বাবা এই ছলমগুলো কেটে নিয়ে এসছে। এই যে ছলমগুলো লালটা হলে ভালো হতো। তো এই যে বন্ধুরা, আমি একদম রেডি আর সবাই রেডি ঘরে। তো আমি একদম রেডি হয়ে গেছি, পুজোতে এখনই বসবে মা। আর চলো দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, প্রথমত দেখিয়ে দিচ্ছি আলপনাটা যেটা আমি দিয়েছি। তো সন্ধ্যার দিকে পুজোটা দিতে ভালো লাগে, আর প্রিপারেশন করলাম। তো সব কিছু হয়ে গেছে, সব অ্যারেঞ্জমেন্ট, সব প্রিপারেশন হয়ে গেছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মা বসবে। তো চলো আগে আমি আলপনাটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে আলপনা, এখানে আমাদের এই কালারের টাইলস তাই দেখা যাবে, আর ঘরের ভিতরে যে টাইলসটা সেটা সাদা রঙের, তো ওতে পরিষ্কার বোঝা যাবে না। আমি ঘরের ভিতরেও বানিয়েছি, কিন্তু সাদা টাইলসে আর বোঝা যাবে না আলপনার কালার। তো এটাই দেখে নাও, এই যে এই রং এখানে দিয়ে রেখেছি আলপনাটা। তো বন্ধুরা আমাকে জানাবে অবশ্যই যে আলপনা কেমন লেগেছে। দাঁড়াও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ভালো করে। টাইলসটা এই কালার বলে দেখা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। ভিতরে ডিজাইনটা দেখা যাচ্ছে না খুব একটা, ডাইরেক্ট দেখলে বোঝা যায় কিন্তু ক্যামেরাতে বোঝা যাবে না। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছো আমি চেঞ্জ করে নিয়েছি আমার ড্রেস, বোনের সাথে ম্যাচ করে পরেছিলাম কিন্তু এখন শাড়ি পরে নিচ্ছি। মন্দিরের ভিডিও
করেছিলি আমার তো গালারি স্টার্ট হয়ে গেল তোর সাথে একটু তো মনে হচ্ছে যে আমি নিচ্ছি না মন্দির তো যাকে আগে লজ্জা পাচ্ছে দেখো না वायरस देखे भय पाच्छे। व्यूअर्स अगर आप मेरे परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हमारे परिवार का वीडियोस और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। टाटा।